हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कहिए कैसे हैं आप सब। हेयर वी टॉक अबाउट होमवर्क एक्टिविटी, पेरेंटिंग टिप्स एंड ग्रामर पोर्शन। सो टू इस वीडियो में हम बच्चे का स्टडी टाइम टेबल शेयर करने जा रहे हैं। देखिए, स्टडी टाइम टेबल आप इस तरीके से बना सकते हैं। पहले इस तरीके से सारे डेज आप मेंशन करिए, फिर देखिए हमने अभी जो टाइम टेबल आपके साथ शेयर किया है उसमें 3 आर हमने स्टडी के लिए निकाले हैं। ठीक है, बच्चों के 3 आर हमने स्टडी के लिए निकाले हैं। उसमें से ऑनलाइन जो है क्लासेस भी हो सकती हैं या जैसा भी हो, वो कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग उस शिष्य को मतलब एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, कहाँ पर कौन सी एक्टिविटी को कहाँ पर रखना है। तो देखिए, आप मॉर्निंग में मैथ करा सकते हैं। ठीक है, देखिए मॉर्निंग के टाइम में बच्चा फ्रेश माइंड होता है, सो के उठा होता है और उस समय वो आराम से कोई मतलब हार्ड सब्जेक्ट जो है वो इजीली सॉल्व कर लेगा। ठीक है, पहले मंडे में आप मैथ्स कराइए, इंग्लिश फर्स्ट कराइए। और जो इवनिंग का टाइम है, ठीक है, इवनिंग का टाइम जब बिल्कुल आपकी पढ़ाई बच्चे की ख़त्म हो चुकी हो, बिल्कुल हाफ एन आवर बच रहा हो, तो उसमें हम बच्चे को क्या बोलेंगे, आपको बेटा 1 पेज राइटिंग लिखना है। ठीक है, कभी कभी हम रीडिंग भी करा सकते हैं। ठीक, और सेकेंड डे ट्यूसडे में आप EVS रख लीजिए। देखिए, ये जो टाइम टेबल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये 1 to 5th क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, देखिए एक दिन में बैठ करके बच्चा सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से नहीं पढ़ सकता है। मान लीजिए जैसे EVS में अगर हमने बच्चे को पढ़ने के लिए बोला तो एक चैप्टर को वो ईजिली पढ़ लेगा। अगर सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने बैठेगा तो हो सकता है वो आधा आधा पेज ही पढ़े, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर एक दिन में बच्चा एक लेसन को कम्प्लीट करता है, इट मीन्स वो हाँ अच्छे से पढ़ रहा है। ठीक है, तो डिक्टेशन भी करा सकते हैं। उसके बाद देखिए, वेडनेसडे में मैथ, हिंदी 1 और राइटिंग या रीडिंग, डिक्टेशन, इन तीनों में से जो भी चीज़ जैसा भी इजीली लगे, बच्चा जो भी करने के मूड में हो वो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये टाइम मैंने सबसे लास्ट का इसलिए रखा, देखिए जो हमारा हार्ड वर्क है वो पहले से हुआ जा रहा है। ठीक है, जो टफ वर्क है वो हमने पहले ही बच्चों से करा लिया, उसके बाद राइटिंग में इतना दिमाग नहीं लगाना, देख करके लिखना ही है, बच्चा आराम से उस चीज़ को ईजिली कर लेगा। उसके बाद थर्सडे में मैथ्स, कंप्यूटर और इसी तरीके से राइटिंग, रीडिंग, डिक्टेशन में से कोई एक काम कर सकता है। उसके बाद फ्राइडे में हिंदी 2, GK और फिर मैथ्स में हम बच्चे को टेबल दे सकते हैं। ठीक है, 2 दिन हिंदी का हो गया, 2 दिन इंग्लिश का हो गया और 2 दिन हम मैथ का इस तरीके से रख लेंगे, क्योंकि ये हमारे बेसिक सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो टेबल दे दीजिए या बच्चों को बेसिक कुछ भी लिखने के लिए दे दीजिए, या बैकवर्ड काउंटिंग दे दीजिए, या जो वर्ड लिखने के लिए दे दीजिए कि राइट इन वर्ड, राइट इन नंबर्स, है ना, प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है, जो भी मतलब बेसिक चीज़ें हैं आप बच्चे को वो कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर सकते हैं। सैटरडे में इंग्लिश 2 हो गई, MSc हो गई, मॉरल साइंस, और सेम ऐसे मैथ रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि बच्चे का जो बेसिक है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा और बच्चे के ऊपर बहुत बर्डन भी नहीं होगा कि एक साथ हमको 4-4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक साथ हमको इतना। अगर दिन में उसे ये पता है कि मुझे 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने, तो वो यकीन मानिए वो बहुत ही अच्छे से इस वर्क को इंजॉय करके इस काम को बहुत अच्छे से करेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता ही आपको क्या करना है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।